लव जिहाद मामले में यू टर्न। प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में अधिवक्ता और उसके भाइयों पर गैंग रेप करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाने के मामले में महिला ने यू टर्न लिया है। महिला का आरोप है कि कर्नलगंज थाने की पुलिस ने उसे बंधक बनाकर तोड़ मरोड़ कर FIR लिखा है, इससे हम और हमारे पति परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर कर्नलगंज पुलिस ने महिला के आरोप को मनगढ़ंत बताया है। कर्नलगंज थाने की पुलिस पर आरोप लगाने वाली महिला ने कहा, मेरे पति से नोकझोंक हो गई थी, मैं अपने मायके चली गई थी, उसके बाद मेरे पति का मोबाइल ऑफ जाने लगा। इसके बाद मैं 12 अगस्त को अपने मायके से कर्नलगंज थाने आई और वहां पर गुमशुदी की तहरीर दी थी। मैंने लिखा था कि मेरे पति को ढूंढा जाए, कुछ पता नहीं चल रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि कर्नलगंज थाने में उन्हें बंधक बनाकर तोड़ मरोड़ कर FIR दर्ज कर लिया है। अब पुलिस वाले मुझे लगातार मेडिकल के लिए बुला रहे हैं, जबकि मैं जानती हूँ कि गुमशुदी में मेडिकल नहीं कराया जाता है। पुलिस ने अभी तक मुझे FIR कॉपी तक नहीं दी। महिला ने कहा, कर्नलगंज पुलिस मेरे ससुराल में जाकर कह रही है कि मेरे पति और परिवार के लोग सरेंडर कर दें, वरना मकान गिरा दिया जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे और मेरे पति को चैन से जीने दिया जाए। मेरे पति केवल गुम हो गए थे। मैं पहले से जानती हूँ कि मेरे पति मुस्लिम हैं और मैं ठाकुर हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ सरकार से चाहती हूँ कि हम लोगों को चैन से जीने दे। कर्नलगंज पुलिस हम लोगों को प्रताड़ित ना करे, नहीं तो मैं और मेरे पति आत्महत्या कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ITN।